नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट वन का पेपर है 12 जनवरी का। 2x पावर 2y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e पावर 2x माइनस 2y, देन द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन टू log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पक्की बात है कि ये अपॉन में आ रहा होगा, इसलिए अब आपको इसके टर्म में आंसर देना। क्या करेंगे, अगर हम इसका लॉग ले लें तो 2y log 2x इक्वल टू log m इंटू n लगेगा, तो log 4 प्लस 2x माइनस 2y, यस और नो? log m इंटू n पावर n लिखा, तो आपको बस डायरेक्ट लिखने की आदत होना चाहिए काफी। p लिख लो इसको चाहो तो, p इंटू log n। अब क्या करेंगे, चाहे तो हम 2y कॉमन ले सकते हैं, तो 2y कॉमन लिया तो देखिए क्या मिला, log 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस log ऑफ 4, log 4 मतलब ln, यानी आपको एक तरह से y इक्वल टू कितना मिल गया, y इक्वल टू मिल गया 2x, चाहे तो इसे एक काम करिए 2 कैंसिल कर दीजिए, यानी x प्लस log 2 अपॉन log 2x प्लस 1, ये मिल गया, राइट? यहां पर आप इसको log 4 को ऐसा लिख सकते थे 2 log 2, एक 2 कॉमन निकल के कैंसिल। अब देखिए log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी बोला है क्रॉस में, यानी ये तो इसके साथ आ गई। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dy बाय dx ये आ गया, बस केवल यहां पर डिफरेंशिएशन लिखना है, तो log 2x प्लस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x प्लस log 2 इनटू log 2x का करेंगे तो 1 अपॉन x। अब अपॉन का मैं पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूं, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मैच कर जाएगा। एलसीएम लिया तो x log 2x प्लस ऑफ x माइनस x माइनस log 2 अपॉन ऑफ x, ये कैंसिल, तो देखिए क्या आ गया, x log 2x या x ln लिख दें, x ln 2x माइनस ln 2 अपॉन x। तो देखिए क्या है, x ln 2x, x ln 2x, 2x नहीं लिखा होगा मैंने यहां पर, x ln 2x, x ln 2x, यहां पर 2x होगा, x ln 2x माइनस ln 2 अपॉन x, ये आंसर आ गया, राइट? आंसर की तरफ ध्यान ही नहीं देना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अपने आप ऑप्शन मैच कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।